कला सुनिएगा। जय हो, जय। हाँ तो निवेदन है भगवान के नाम का जोरदारी से जयकार लगाएं हम लोग। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ तो लीजिए भाई साहब, बैठ जाओ या एक तरफ चले जाओ, बीच में ना खड़े। हाँ एक साइड खड़े हो जाओ, बीच में ना खड़े रहे आप लोग। बीच में जो भी है वो बैठते जाए, अच्छा नहीं लगता है अगर बीच में खड़े हो जाते हैं आप लोग तो। हाँ क्योंकि माताएं मेरे आती जा रही है, उनको भी स्थान दे बैठने का। अपनी अपनी जगह पर बैठते जाए, समझ भाई बंधु। माताएं मैंने व हमारी बच्ची, तो जोरदारी से जयकार लगाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो लीजिए हो चुके हैं आपके सामने राजू राजा पेश। देख लो इनका सो केस, अटपटी पहनते हैं ड्रेस। ये है अपना भारत, अब अपनी कला को करेंगे। प्यारे प्यारे भाइयों, माताओं बहनों मायू, सभी दुकानदार भाइयों, बाल बनारस, अब अपनी कला को करेंगे पेश। प्यारे प्यारे भाइयों, माताओं बहनों मायू, सभी दुकानदार भाइयों, बाल बनाने वाले नाइयों, मिठाई बनाने वाले हलवाइयों, जी जी काकी माइयों, देर ना लगाइयो, घर पे ना रह जाइयो, रामलीला देखने आइयो, रामलीला में आके अच्छी तरह से बैठ जाइयो। आज मैं आपके सामने राजू हंगामा, कभी खाते हैं पान तो कभी पीते हैं पनामा, कभी पहनते हैं पेंट तो कभी पहनते हैं पजामा। यह राजू राजा का ठाट, आज की रामलीला में माया वाच्य पूर्ण करेंगे पाठ। हाँ तो लीजिए एक बार की ताजी बात सुना रहे भाई साहब आपको। शादी से पहले जी हमारे दो ही हाथ नहीं हते, कटे हते, मतलब हम ऐसे ही आवारा फरकते तो हमारे पिताजी कल लगे जाओ खेत पे, थ्रेसर चल रहा, ट्रैक्टर लगो वहां में, डीजल भर रहा, जाओ चेत को मौका है तुम थोड़ी हेल्प करियो, मतलब काम कराचो। हम चले गए यार खेत पे, तो हमें कबाब पे बैठा था थ्रेसर के पे, हम कबाब देने लगे, कबाब देते हमारे जे दो हाथ थ्रेसर में चले गए, उतरे से निकले जो दो हाथ पंडा से। अब गांव के कल लगे कहो, अब तुम आओ बिया को करे, हमने कही काय, बोले तुम्हारे हाथ ही नहीं है, हमने कही जा तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब गांव के जाकर लगे देखो सर्दी को है टेम, एक काम करो तुम लोई उड़ के रल लगो, जैसे ही तुम्हारे देख रहे आया है तो हम जाके दे के मोड़ा ठंड की वजह से लोई उड़े रहे, ऐसे ही लोई उड़ के रल लगे। कछु दिन बाद हमारे देख रहे आया है जिला चालों से, उनने नीचे से ऊपर तक देखो और वे देखते ही रह गए, बोले पा लड़का तो बहुत टाप को है, चीन में, पाकिस्तान में, जापान में, अमेरिका में, कई जगह देखो, लेकिन ये सब टाप को लड़का हमें नहीं दिखाना। उनने हमें देखो देखते ही रह गए। अब उनने इंग्लिश में हमसे सवाल पूछा, बोले बेटा जो बताओ तुम्हारी एजुकेशन क्या है, मतलब एजुकेशन माने कहां तक पढ़े लिखे हो। हमने कहा वाह बीएससी फाइनल किया है, बोले करेक्ट, बोले तुम्हारी एज क्या है, मतलब उम्र क्या है। हमने कहा 25 साल, बोले करेक्ट, बोले तुम्हारी नॉलेज क्या है, मतलब नॉलेज माने अकल। हमने कही अकल कौन पूछने वाली बात हो, वो तो दूसरों आदमी अपने आप अंदाजा लगा ले। हमने कि तुम्हारे बाप की गोली बेबचाए रह गए, बोले पा लड़का ने सभी सब सवालों के जवाब बिल्कुल साफ साफ दिए है, बेटा अपनी बिन्नू को ब्याह करे तो तुम्हारी संगे करे, चाहे बिन्नू जिंदगी भर मतलब कुंवारी बैठी रहे। बोले ले पकड़ो सवार पंचा तुम पक्की। हमने कही अब जो हम हाथ पंडा जैसे निकाल रहे तो ब्याह 36 किलोमीटर दूर हो जा, हमने बहानो बनाओ। हमने कही हमारे दत्ता बैठी, भाई बैठी, दादा, चाचा, चाची, सब पूरा परिवार बैठो, कहे हम तुम लाल लाइट लगा रहे, हम कहा तुम्हें कैटरीना कैफ दिखा रहे हैं। हमने कही सबके सामने हम रुपज्जा नहीं ले सकत, बड़ों का अपमान है जामे। उनने सोची लड़का समंदार भी ये मान कायदो वाव है, हमारे दादाजी की गद्दी पे सवा रुपज्जा रख के पक्को करके चले गए हमें। अब कछु दिन बाद हमारी उजुआ को नंबर आओ, मतलब उन्हें को देखने को हमारे घर के उन्हें देखने गए, उनमें भी एक कमी हती, हमारे हाथ नहीं हते, उनकी एक आंख नहीं हती, मतलब एक तरफ को गोरसराय बाजार बंद है तुम लोग को। तो माताएं मैंने होशियार हो गई आजकल,
एक तरफ को बाजार बंद है तो जोन तरफ को बाजार बंद है तो मैं बात करा ऐसा गुमटदार की आ गई और जोन तरफ को खोलो तो हमें ऐसी नौकरी फंसा रहे ऐसा चाय लेके हमारे पिताजी के पास आ गए बोले पिताजी चाय पी लो हमारे पिताजी सीधे बोले काय बेटा हम तो तुम्हें देख भी आए और तुम घूंघटदार के आ गए बोलिया पापा हमने आपको ससुर मान लो सो आज ही से हम मान कायदा कर रहे हैं अब जो घूंघट जिंदगी भर नहीं खुले मान कायदा रहे हमेशा मर्यादा वो हमेशा पर्दा करे हमारे बाप ने सोची मोड़ा के हाथ रंजा बहु बड़की मिल गई पक्को करके वे सीधे चले आए कुछ दिन बाद हमारी बारात गई हाथी घोड़ा ऊंट ढकले को पोटी जे बैंड ब्रास बैंड नागल में हस्बैंड सब बैठ गए बारात में सही कह रहे अब जैसे ही पेट आई घूम के दरवाजे पे पहुंची बारात टीका के लाने सो उतरे की जरीमान से हमें देख के काकल लगी हम घोड़ा पे बैठे थे अच्छे मोटे ताजे हते फूले से और हम बैठे घोड़ा पे खुशी मना रहे थे ब्याह की खुशी हर काउ को बहुत उतरे की जरीमान से काकल लगी काका रे और दूल्हा फूलो फूला सो मोरी की आंख बबूला सी दूल्हा फूलो फूला सो मोरी की आंख बबूला सी चार देख के अकाल लगी हमें गुस्सा आ गई हमने कही दाल में कछु ना कछु काला है उते एक लड़की घूम रही थी हमने कहा इधर आना बेटा बोले काय जीजा हमने कही जे का गा रही दूल्हा फूल फूला सो मोरी की आंख बबूला सी बोले तुम्हें पतो नहीं था जीजा हमने कही नहीं बोले जीजी को टेट करो हमने कही मतलब का बोले उनकी एक आंख बिल्कुल यही नहीं है एक बजा एक तरफ का बाजार बंद है हमने कही हो जे हमें जिला चालोन की ठसक दिखा रही बिन्नू अबे तुमने जिला झांसी की ठसक तो दिखी नहीं है ये कोने रख लिए हमें गुस्सा आई हम घोड़ा से कूद गए नीचे और जो साल फेंक दो और हम ऐसे फाड़े आए हमारे हाथ ही नहीं हते सो हमने कही देखा फूले फूलासी तो ही मोड़ी और जागा फूले फूलासी लड़का के हाथ बसूला से बिन्नू ने जैसे ही सुनी कि लड़का के हाथ ही निन्या बिन्नू छत पे से नीचे गिर पड़ी बोले दद्दा हमारी एक ही फूटी थी सो ठीक फूटी थी तुम्हारी का दो ही फूट गई थी बोले काय बेटा बोले लड़का के हाथ ही निन्या तुम का देख और गए थे बोले बेटा चिंता नहीं कर तो इलाने साथ और सब कर दे बिना पूछे थे पूरे भरचात में घूमिए मेला में घूमिए जग में घूमिए गुरसराय चली जाए तो उसे को कछु के बेबाव निन्या कही काय बोले कोका के लड़का के हाथ ही निन्या कही दत्ता चा ठीक रही कही बेटा ज्यादा ना उचक लड़का से दूर ही दूर रज्जे ना तर बंडा जैसी पूछ मार दे इति बार बार सुझाता हूँ हाँ तो लीजिए आती हैं आपके सामने मिस सोनिया जी हम उन्हें बुलाते हैं किस अंदाज में बुलाते हैं वो मंच पर किस तरह से आती है बहुत अच्छी बात है भाई साहब एक ना एक दू ना दू गिनती बोल रहे सही कह रहे तो लीजिए एक समय की बात थी अंधेरी रात थी और खाते रहो चार भंडार क्या बात है बहुत अच्छी बात है भाई साहब बिता दो विदी रहो पियो सब लोग चाय हारे भारे लोग हो तो लीजिए एक बार की बात सुना रहे एक मंत्री जी थे बचाए तो उन्हें झंडा फहराने के लिए स्कूल में जाना था तो बच्चों ने क्या किया सुबह यानी मां साहब ने तो झंडा तिरंगा सुबह चार बजे बनवा दो तो स्कूल में वहां में फूल उल सब बांध के कंप्लीट कर दो अब मोरी मोड़न ने देखो के मास्टर साहब ने झंडा बनवा दो अब प्रधान जी उद्घाटन कर भी आए झंडा फहरा भी तो बच्चन ने पांच बजे गए और तिरंगा झंडा छोड़ के में पेटी कोट बांध दो पेटी कोट में फूल बांध दे अब जैसे ही सुबह आठ बजे तो काबो प्रधान जी आए गांव के प्रधान जी आए उन्होंने रस्सी को खींचा पेटी कोट ऊपर लहराने लगा अब प्रधान जी भाषण दे रहे बोले भाइयों और बहनों
देख रहे हो ये हमारे भारत की शान लहरा रही है। कितने नौजवान शहीद हो गए इस झंडे के पीछे, कितनी माताओं की गोद खाली हो गई इस झंडे के पीछे। आज हम कसम खाते हैं इस झंडे को कभी नीचा नहीं होने देंगे, हमेशा ऊपर उठाए रखेंगे, भारत का उज्जवल भविष्य नजर आएगा। एक साहबान बोले, प्रधान जी हमारा आपको सपोर्ट है, ऊपर को देखो तुम्हारी मैम साहब का पेटी कोट है। आप बैठने का कष्ट करें राजा जी, राजू जी हाँ ना लो दिल जाने। मैं भी सोच रहा हूँ कि आज सपना चौधरी को इस मंच में नचना चाहिए। अब बात है देखिए, तालियां बजा सभी लोग। हाँ तो विजय, अगर मैंने सपना चौधरी को नहीं बुला पाया इस मंच पर तो मेरा नाम बेकार। हाँ सही बात है राजा। राजू जी जी हाँ, सपना चौधरी आएंगी ध्यान में आप, और हिना रानी और अलका रानी जी वो भी पधारेगी तुम्हारी मंच पर। सही बात है, मुझे पैसों का कोई टेंशन नहीं है। पैसा क्या है, मिल ही जाएंगे। पैसा क्या है,